मैं क्या पूरी दुनिया बहुत पसंद करती है सिकंदर सनम साहब, आज उनका बेटा मेरे साथ मौजूद है। तो पाकिस्तान का तो ये लम्हा है ना, यकीन करें, देखे पाकिस्तान में दिन में खुदाई और रात में जो आप समझ रहे हैं वो भी सही है। एक ब्लॉगर यहाँ पर आया हुआ था पाकिस्तान में टूर पे, उसने भी भाई अपना दो ही अल्फाज सीखे थे, तेरी माँ की तेरी बहन की। कहता है कि मेरी बेगम मुझे खुश नहीं रखती। इसकी बेगम से पूछा, भाई आप इसको खुश क्यों नहीं रखती? इसकी बेगम कह रही है पूरा मोहल्ला मुझसे खुश है, यही खुश नहीं है। बेसिकली हुआ क्या था, क्या बीमारी हुई थी और कैसे तुम लोग, क्या कैफियत थी उस टाइम? वाह 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 अनवर मकसूद, क्या बात की, कर दी। खान भाई के छोटे भाई हैं। अच्छा, मुझे भाई उन्होंने जो सीन किया वह भाई अपने छोटे भाई की चड्डी मुंह पे डाल के गली में आ गए और बच्चों को कह रहे मुझे स्पाइडरमैन बोलो। अब मैंने उससे पूछ लिया, भाई क्या मिला? भाई सबकी मुँचे तेरी मुँचे नहीं है, क्या बोल रहा है? मैं अम्मी पे गया हूँ। अबे बहुत, ये भी बाथरूम में बैठ के पान खा रहा है, एक दो तीन चार, मिला इतनी बदबू नहीं आ रही? बोला नहीं तो खुशबू का है। हाँ। ये भी अपनी अम्मी, इसकी अम्मी इसको लेके नहीं जाती है बाजार, वो गिर जाएंगे, वो गिर जाएंगे कान, वो गिर जाएंगे कान। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी खान शरोज और आज मैं फिर आपके सामने मौजूद हूँ एक नए एपिसोड के साथ। और आज का जो एपिसोड है मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त और एक जो आपका सबसे पसंदीदा शख्स होता है ना, उसका बेटा, मतलब मैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ कॉमेडी के अंदर, और मैं क्या पूरी दुनिया बहुत पसंद करती है, सिकंदर सनम साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे, आज उनका बेटा मेरे साथ मौजूद है और उनका पार्टनर, उनका जोड़ीदार मेरे साथ मौजूद है। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खान भाई, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इनवाइट किया, और मैं रोज देखता था, मैं बोलता था यार खान सबको बुला रहे हैं, हमें नहीं बुला रहे, हम क्या पेमेंट ज्यादा लेते हैं? नहीं यार, मुझे ना मैंने कहा मैं तुम्हें सुकून फुर्सत से बुलाऊंगा। हाँ ये भी आप दोनों को मैंने देखा, क्लिप्स देखता रहता हूँ, बिल्कुल माशाल्लाह आग लगा रहे हो और असल मायने में कॉमेडी कर रहे। आग क्या मतलब लगा रहे हैं हम, क्या चूल्हे हैं, क्या गैस है, क्या माचिस की तीली है? इसका तो समझ में आता है ये माचिस की तीली है, मगर मैं नहीं हूँ भाई। बहुत अच्छे है, गैस तो वैसे ही नहीं आ रही है। मैंने खान भाई को यानी कि बताया है, वो आग लगा रहे हैं। भाई अभी के सोशल मीडिया के लिए एक शेर अर्ज किया है कि भाई मैंने देखे हैं बहुत सारे समंदर और बहुत से किले, मैंने देखे हैं बहुत सारे समंदर और बहुत से किले, 3 2 1 क्या हो गया तुझे, कैसी बातें कर रहा है? ये शेर है, ये शेर है, शेर तो ये है सोशल मीडिया के हवाले से, बता कराची की आवाम के लिए, तेरे कमल को, तेरे कमल को हम गुलाब बना देते, नजर को हम गजल बना देते, अगर हमारा प्यार सच्चा होता ना तो कराची में भी ताजमहल बना देते। बहुत अच्छे है भाई ये। एक और शेर अर्ज किया कि भाई मिठाई की दुकान पे मिलता है चमचम और खाजा, मिठाई की दुकान पे मिलता है चमचम और खाजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। फेसबुक की बात कर रहा हूँ ना, सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। देखो पुरानी जमाने की अम्मी होती थी ना, वो कहती थी क्या बोलते, नेकी करो दरिया में डालो, मगर आज हमारी अम्मी पता है क्या कहती है, क्या जो करो फेसबुक पे डालो। पर तुम्हें नहीं डाला तुम्हारी अम्मा ने। कैसी बातें कर रहा है, कहाँ आया भाई यार, खान भाई से बातें, खान भाई से बातें कर लो। हाँ खान भाई बोलेंगे ये मेरा शो कम इनका ज्यादा लग रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मजा आ रहा। अच्छा मुझे सोशल मीडिया से आया, मुझे इस चीज के ऊपर आया, ये जो आजकल लोग जो है बिला वजह ट्रेंड में आए थे, बिला वजह, ये इनके बारे में क्या मतलब तुम कहना चाहो? भाई मैं इनके बारे में यही कहूंगा कि हमारी आवाम जो है ना वो थोड़ी सी ठरकी है। अच्छा, सीधी बात है, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा ही है लड़कियों के मामले में। देखो पाकिस्तान का तो ये लम्हा है ना, यकीन करें, देखे पाकिस्तान में दिन में खुदाई और रात में जो आप समझ रहे हैं वो भी सही है, जो मैं कहने चाह रहा हूँ रात में गर्मी। ये बात तो सही। मैं भाई अभी मैं आ रहा था ना तो जगह जगह पे धरने हो रहे थे। अच्छा हाँ, और धरनों में जो है ना नारे भी अजीब लग रहे थे, भाई लाइट नहीं दोगे हम धरना करेंगे, लाइट दोगे तो हम रात को करेंगे। बस समझ के बाहर है क्या मतलब? भाई मुझे क्या पता, वो नारा था, होगा कुछ होगा, हमने हो क्या पता। अच्छा लाइट से मैं, ये जो आजकल के हालात चल रहे हैं ना, गैस है हाँ, ना लाइट है, ना पानी है, तुम चांद पे रह रहे, मतलब यही समझ लो चांद पे। हाँ हम तो बंगालियों में रह रहे हैं। हाँ वैसे अगर मैं देखे हैं तो एक बात मैं करना चाहूंगा, देखिए अमेरिका में लाइट जाती है ना, तो यानी कि कुछ टेक्निक फॉल्ट है। हाँ सही है। और अगर हिंदुस्तान में लाइट जाती है तो बोलते हैं पावर हाउस में कुछ खराबी वराबी होती है। अगर पाकिस्तान में लाइट जाती है ना तो एक ही बात आती है, अम्मी सबकी गई है।
ये भी कौमी कुछ कौमी बातें जो हम रोजमर्रा की जिंदगी बिल्कुल बिल्कुल भाई। मैं यकीन करें पाकिस्तान में एक अंग्रेज आया उर्दू सीखने, वो 3 महीने के बाद मुझे मिला कौन से लफ्ज सीखे आपने उर्दू में, बोले मैंने 2 लफ्ज सीखे, कौन से, वो कौन से, बोले लाइट आ गया लाइट चले गई अबे ये तो कुछ भी नहीं है। एक ब्लॉगर यहाँ पर आया हुआ था पाकिस्तान में टूर पे, उसने भी भाई अपना 2 अल्फाज सीखे थे, कौन से, तेरी माँ की तेरी बहन की। ये हमारे यहाँ तो भाई ट्रेंडिंग पे है ना, ये तो ये तो हर बच्चा 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 कह रहा है भाई वाकई में बिल्कुल। और भाई पहले के जमाने में लड़कियां जो है थोड़ा सा मेकअप करती थी चेहरे के ऊपर, और आज के दौर में मेकअप के अंदर थोड़ा सा चेहरा होता है, ये बात है समझने वाली, हकीकत है। और पहले के जो लवर होते थे ना वो एक दूसरे को छूने नहीं देते थे, आजकल के लवर एक दूसरे को छू सकते हैं लेकिन मोबाइल नहीं छू सकते। सारी रात मोबाइल पे, और मोबाइल को चूमेंगे प्लास्टिक के, यकीन करें अम्मी के हाथ चूम लो तो जन्नत ही हो जाओगे, मोबाइल को चूम रहे हो आप, बेशक साहब ये तो है भाई, ये तो है, यकीन करो। ये जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो लड़के जो रॉन्ग कॉल पे जो सेटिंग कर देते ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, यकीन करो जानू क्या पी रही हो क्या खा रही हो, यकीन करे। अब वो बिचारी आ जाती है ना जब बेड पे, देखा हुआ नहीं होता लड़की ने या लड़के ने, वो एक ठिगनी सी निकलती है, छोटी सी निकलती है, पीली गुद्दी काली चप्पल पहनी हुई, नाक के बाल जल जाए देख के। अगर बर्गर वाला पूछ ले ना बाजिश में माइनस डाल दू फोरन, बोलते नहीं मैं तो केचप खाती हूँ। ये तो है ही ना भाई, ये तो गलत है। और अबे अभी जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स वगैरह जो चलते हैं ना टिकटॉक पे, उस पे तो भाई घर की औरतों ने भी बड़ी वीडियोस बनाई है। अच्छा, वो जो गाना चला था मेरा दिल पुकारे आजा, आजकल गैस तो आ नहीं रही, मैंने एक टिकटॉक देखी आंटी चूल्हे के पास खड़ी हुई है और गाना गा रही है, मेरा दिल ये पुकारे गैस आ जा, मेरी चूल्हे की आग बढ़ा जा, मुझे खाना है बनाना फिर सबको है खिलाना। बे ये माहौल चल रहा है भाई, ये अपने घर की बता रहा है। खैर आप अपनी बात करें, वैसे माशाल्लाह से भाई अभी बकरा ईद पे कसाई ने गोश्त काटा है, कुत्ता छिछड़ा लेके भाग गया, उसको देख के बोल रहा है बहुत अच्छे हम सुबह से ऐसे ही खड़े हैं। छिछड़े से मुझे याद आया, हां साहब यकीन कर रहे हैं ये अमेरिका गया, हां वहां पे छिछड़े खा रहा है, मेरा भाई छिछड़े क्यों खा रहा है, बोले चुप हो जा कुत्ते के वीजे पे आया हूं। बहुत अच्छे, ये भी भाई बड़ा माशाल्लाह से मशहूर बंदा है, ऐसी बात नहीं है, मशहूर है भाई, हम तो वैसे भी। इसने अपनी बेगम पे केस कर दिया, क्यों कहता है कि मेरी बेगम मुझे खुश नहीं रखती, इसकी बेगम से पूछा भाई आप इसको खुश क्यों नहीं रखती, इसकी बेगम कह रही है पूरा मोहल्ला मुझसे खुश है यही खुश नहीं है। क्या बता, मैंने उसको तलाक दे दिए, क्यों वो हर बात अपने भाई को बताता है। बहुत अच्छे, तेरे लिए एक शेर अर्ज किया, भोको मेरा मकसद है। अबे तेरा अब्बा थोड़ी है भोको। अच्छा, तेरे लिए एक शेर अर्ज किया जी, कि भाई कौन कहता है अंगूर खट्टे होते हैं, हाय हाय हाय, कौन कहता है अंगूर खट्टे होते हैं, खान भाई पहली बार देख रहा हूँ इंसानों में भी गधे के बच्चे होते हैं। आपके लिए भी एक शेर, इरशाद कौन कहता है केले कच्चे होते हैं, कौन कहता है केले कच्चे होते हैं, यहाँ पर लाइट होती है वहां ऐसे बच्चे होते हैं, जनरेटर की पिताश मतलब तुम भी जनरेटर की पैदाइश हो, क्या हो गया बदतमीजी कर रहे हो आप, मुझे 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 2 मिनट का जरूर आए, थोड़ा सा ब्रेक लगाओ, आगे तो जरूरी है, मुझे इतना ज्यादा हंसने की आदत होती है, थोड़ा सा ब्रेक लगाओ, मेरी आंखें देखो कैसी हो रही है, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह यार, मतलब चरस नहीं पी ये मतलब मुझे ना इतनी तेज एकदम से ना, मतलब हम तो यार वो जाहिर सी बात है, हम लोग जो है माशाल्लाह जो है वो अब देखते आ रहे हैं, घर गली में जो है तो कॉमेडियंस होते हैं बेशक बेशक, लेकिन जो पक्के होते हैं ना वो फिर पक्के ही होते हैं, पक्के ही होते हैं बिल्कुल यार, ये खान भाई अच्छा ये कोशिश करते हैं हम लोग, नहीं नहीं माशाल्लाह, खैर तुम्हें तो तुम्हारे तो खून में वो तो है, पर मतलब ये ना कोशिश करते हैं कि यार बेहतर कर सके और ऑडियंस को एंजॉय कर सके, हमने ये सीखा है यानी कि बस आवाम के चेहरों से मुस्कुराहट आंसू चुराने उनके आंसू से यार, आज के दौर में आप लोग इतना जो है लोग हंसाते हो, ये बेशक एक बड़ी भाई वो यार, मैं खान भाई एक आपके चैनल के थ्रू एक बात कहूंगा कि ये हम लोग कोशिश करते हैं ना, तो बाज दफा जो देखने वाले ना वो यार बड़ा वो एक ट्रोल करते हैं कि यार बाप बाप होता है, तो मैं भाई यही कहूंगा कि बाप बाप ही होता है, वो बाप नहीं होता तो मैं नहीं होता, सीधी बात, अब वो जो काम करके गए
वो एक उनका लेवल अलग था, अब हम उनकी जगह पे थोड़ी सी कोशिश करें तो आप ट्रोल ना करें, मैं ये कहना चाहता हूँ। यार पता है क्या मेरा क्या सोचना है, वो जो घर में बैठे हुए ना अपने, हाँ, दो बातें कर रहे हैं, हाँ, तो करने दो, असल स्ट्रगल जो तुम कर रहे हो बेशक हमारे वाले साहब ने किया था, वो जो लोग जो समझदार जो शऊर रखते ना उनको पता है, बस ये बात तो है। दुनिया के अंदर हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, हाँ, थोड़ा दुश्मन मुल्क ले लो, पड़ोसी मुल्क ले लो, ठीक है, आप वहां भी जाओ ना तो वो अगर आप उनसे पूछो ना यार कॉमेडी का, अगर आप पूछो ना एक कॉमेडियन आप किसको मानते हैं, वो अपने बंदों का नाम ही लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वाकई है, सच वो क्या बोलते हैं, मतलब पाकिस्तान जाओ उनके उनके ना कुछ नाम उनको पता है, हाँ, ये वो तो कहते हैं उमर शरीफ साहब बेशक, वो कहते हैं सिकंदर सनम, वो कहते हैं मोइन अख्तर, वो कहते हैं मानुल्ला साहब, मतलब ये कुछ ऐसी चीजें नाम है, नाम है यार, मतलब वो मुल्क आप कुछ भी हो देखो किसी भी बात है, वो मुल्क रखता है हर चीज में, वो दुश्मन मुल्क है ना हमारा बेशक, लेकिन उसके बावजूद वो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो बच्चों के कुछ है तो करते हैं ना यार, वाकई में दुनिया मानती है, वहाँ तो टैलेंट की कदर है और इसके घर में तो उसकी भी कदर नहीं है। बहुत अच्छा है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाने थे, सवाल जवाब भी करने थे, नशे में बैठे हैं, मैं आगे बढ़ाइए। अच्छा मैं एक चीज उन्होंने बता रहा था, मैं क्लिप देख रहा था, एक क्लिप मैं देख रहा था, उसमें ये भी था कि हमारे जो मुल्क के जो कॉमेडियंस है ना, बिल्कुल, मैंने वो देखा क्लिप जिसमें उमर शरीफ साहब थे, मुनकर साहब थे, वो कहीं बाहर शो कर रहे थे, ठीक है, वो मतलब कनाडा का था या लंदन था, वो कहीं शो कर रहे थे, उसमें 85% गोरे बैठे हुए थे जिनको समझ नहीं आ रहा, अच्छा, लेकिन वो हंस रहे थे, देखिए ये होती कॉमेडी, ये होती कॉमेडी होती है। और यकीन करो मैं अब किसी और मुल्क के बैठ के देखता हूँ ना, मैं यूं बैठा हुआ देख रहा था, अगर चासना था वो लोट पोट हो रहे, हाँ, ये मतलब, ना, मतलब सेंस नहीं है कॉमेडी, वाकई में। अच्छा समीर, कुछ सीरियस टॉपिक पे, आप बिल्कुल ठीक है, वालिद साहब याद तो खैर बहुत आते होंगे, बहुत ज्यादा। उस टाइम तुम्हारी क्या एज थी, किस टाइम की बात कर रहे हैं आप, जब वो अमेरिका जब फिल्म्स उनकी चल रही थी, फिल्म्स जब उनकी चल रही थी, उस टाइम पे यार मैं तकरीबन जो पहली फिल्म थी ना उनकी तेरे नाम, उस टाइम पे मैं था तकरीबन 10 या 11 साल का था, और उस फिल्म में भी मैं था। अच्छा फिल्म में तुम थे, हाँ उस फिल्म में मैं था, तेरे नाम क्या रोल किया था, वो अपना अब्बा का भतीजा बना हुआ था। अच्छा हाँ, मैं पहला बेटा था जो बाप का भतीजा बना था यार, लेकिन फिल्म में फिल्म बड़ी मजे की, फिल्म बड़ी मजे की थी भाई। आपको मैं एक और मजे की बात बताऊँ ना, कि उसका जो एक प्रोड्यूसर था ना, अब्बा का बड़ा अच्छा दोस्त था, उसने जो उस फिल्म पे बजट लगाया था वो लगाया था 3 लाख का। अच्छा। और उसने कमाया कितना, 3 करोड़। वाह वाह वाह, अब ये चेक करें खाली कि नसीब माशाल्लाह से उसका इतना बेहतरीन था प्रोड्यूसर का, कि 3 लाख लगा के वो 3 करोड़ कमा गया। और फिल्म पे जो है अब्बा ने और इन लोगों ने सबने जो है रिलीज होने से पहले देखी थी, तो अब्बा को और प्रोड्यूसर को समझ नहीं आई, तो प्रोड्यूसर के जो वालिद थे ना उन्होंने कहा कि ये नसीब है, इसको ट्राई करो मार्केट में फेंक दो, कुछ तो रिकवरी करेगा। वो भाई जब रिकवरी करने पे आया, वो इतनी रिकवरी कर गया कि आज माशाल्लाह से समझ लो आप वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में उसका नाम होना चाहिए, और वो प्रोड्यूसर ने नाम डलवाया नहीं, बहुत चल गई। जबरदस्त फिल्म थी वो। बिल्लू बार बार भी की थी। और मजीद कौन कौन सी फिल्म, बिल्लू बार बार थी, गजनी थी, और बॉडीगार्ड थी, और अग्निपथ थी, सलमान खान की वो थी, मुन्ना भाई भी तो की थी, मुन्ना भाई भी थी, क्या बात है, सलमान खान की वो तेरे नाम भी की थी, वांटेड की थी, और आपका अल्लाह भला करे ड्रेकोला की थी, पांडे भी की थी, ये जो फिल्म का मतलब ये जो उस टाइम का रीमेक मेरे ख्याल से नया था, इससे पहले कभी ये चीजें हुई नहीं थी, तो ये आइडिया किसका था, अब्बू का था या फिर उनको कहीं, आइडिया अब्बू का ही था। पहले जो ये लोग है ना वो बनाते थे छोटे छोटे अपना कॉमेडी क्लिप्स होते हैं, खाके मतलब एक खाका चला, उसके बाद फिर एक गाना चल गया इंडियन गाना, वो चलता था उनके एक अपना एड के बाद, तो फिर वो जो है अब्बा ने यार ऐसे ही कहा प्रोड्यूसर को मजाक में, यार एक काम करते हैं कि इसका खाका नहीं बनाते, इसकी पूरी फिल्म बनाते हैं। तो उसने अपना अब्बा से पूछा, और वो जो कैमरामैन था अनिप भाई नाम था उसका, तो उसने अब्बा ने और पूछा कि यार कितना बजट आएगा, प्रोड्यूसर ने कहा, अब्बा ने और कैमरामैन ने कहा ज़्यादा नहीं, तकरीबन आ जाएगा 3-3.5 लाख का हो जाएगा खर्चा। तो उसने बोला बनाओ भाई, वो फिर जब बनाई है ना तो फिर वो रिजल्ट आपके सामने ही था कि उसने कितना कमाया माशाल्लाह। अच्छा कमाना तो चलो एक चीज है, हाँ यार एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना बड़ी बात है ना, मतलब उस टाइम भी यार 3-3.5 लाख उस टाइम भी बड़ी रकम, बहुत बड़ी रकम थी, और उसको एक्सपेरिमेंट ऐसा किया कि इंडिया तक चला, बहुत चला यार। आपको एक और मैं मजे की बात बताऊं ना, 2004 में या 2005 में जब उमर अंकल वो जी अवार्ड शो करने गए थे,
तो उमर अंकल ने खुद जो है वापसी आने के बाद अब्बू को घर बुलाया था और अब्बू को बताया था उन्होंने कि तेरी फिल्म ने जो वहाँ पे काम दिखाया है ना, बोला वहाँ के सारे आर्टिस्ट परेशान थे और तारीफ कर रहे थे। तो उमर अंकल का आप अगर क्लिप देखें ना शेखर सुमन के साथ स्टेज के ऊपर, शेखर सुमन कहते हैं कि हमारी फिल्मों की आप रेड लगा देते हैं, हम सालों में बनाते हैं, आप दो महीने में बना के क्लिप बना देंगे। हाँ, तो उमर अंकल बोलते हैं हम लोग आपकी फिल्मों को सही तरीके से पेश करते हैं। तो वो अपना शेखर सुमन ने बैक स्टेज में उमर अंकल को कहा था कि यार वो आर्टिस्ट कौन है, वो बड़ा जबरदस्त आर्टिस्ट है जिसने सलमान खान की फिल्म बनाई है। तो उमर अंकल ने कहा था कि भाई वो हमारा ही शागिर्द है, तो और आप इससे अंदाजा लगा लो कि उस्ताद ऐसा है तो शागिर्द कैसे होंगे। तो माशाल्लाह से अब्बा का भाई इंडिया में पौवा बन गया था। अच्छा मुझे ना पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो ना, हाँ यार मैं आपको सच बताता हूँ, एक पेरेंट्स होती है ना पेरेंट्स, हाँ मुझे जो है ना अब पता नहीं बोलना चाहिए मुझे या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे उमर शरीफ के पेरेंट्स से ज्यादा जो है ना सिकंदर सलाम के पेरेंट्स, नहीं नहीं पता क्या एक इंसान का फेवरेट होता है ना, या जब वो जब एंट्री लेते थे ना बस आवाम को पता था वही हंसना शुरू। अब थिएटर किसके कंधों पर है और क्या थिएटर अब जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा? थिएटर की अगर आप बात करेंगे तो थिएटर अब नहीं खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अच्छा अब्बू के बारे में सवाल करना चाहता हूं, जब ये हुआ तो अब्बू को बेसिकली हुआ क्या था, क्या बीमारी हुई थी और कैसे तुम लोग, क्या कैफियत थी उस टाइम और क्या मतलब किस तरीके से तुम लोगों को जो है पता चला कि उनको ये चीज है और अचानक हुआ था या टाइम लगा था? नहीं अचानक तो नहीं, खैर अब्बू को जो है वो एक साल पहले मेरी दादी का इंतकाल हुआ था, अब्बू के इंतकाल से पहले। तो दादी के पता नहीं 10वां था या पता नहीं 40वां था, तो उस दौरान अब्बू को जो है पेट में तकलीफ होना स्टार्ट हो गई थी। तो फिर अपना नॉर्मली जो अपना क्लिनिक वगैरह से इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं वो अब्बू ने लगवाया, उनको दर्द ख़त्म हो जाता था, सेट हो जाते थे। तो वैसे मतलब चलता रहा एक दो हफ्ते, फिर माशाल्लाह से वो सोदिया का इनका शो था, फिर ये उम्रा भी उस बहाने हो गया, शो भी करा। तो जब भी मतलब टैबलेट्स वगैरह इनकी चलती थी तो इत्तेफाक ये हुआ था, वली भाई तो साथ ही होते थे, तो वली भाई ने कहा कि वहाँ पे उन्होंने एक बार भी टैबलेट को हाथ नहीं लगाया और वहाँ पे ना उनको तकलीफ हुई है कभी, के उमरा किया माशाल्लाह से, शो भी किया, वापसी आया, वापसी आने के बाद जो है ना उनको रमज़ान था और ईद के ड्रामे की रिहर्सल कर रहे थे, तो उस दौरान उनको वापसी पेट में तकलीफ वगैरह हुई। तो रौफ लाला जो है उन्होंने वो हॉस्पिटल का कहा कि यार उस हॉस्पिटल में चले गया, वहाँ पे जानने वाले उनके कोई है। तो उन्होंने जब डायग्नोस वगैरह किया तो जब जाके पता चला कि इनको जो है जख्म हो गया जिगर के ऊपर, तो वो जो है अपना हल्के हल्के कैंसर की सुरख इख्तियार कर चुका था। फिर जो है वो अपना क्या कहते हैं शो भी उन्होंने करना ज़रूरी था, वो शो किया। तो फिर 3 दिन ईद के तो वो निकाल लिए थे, जब चौथे दिन शो पे पहुँचे ना तो उनको तकलीफ बढ़ गई, तो वो आधा शो छोड़ के फिर अब्बू को जो है हॉस्पिटल लेके गए थे। तो आगा खान फिर लेके गए, वहाँ पे फिर सही से प्रॉपर इनका इलाज और हुआ, फिर वहाँ से पता चला कि फैल गया और लास्ट अपना आखिरी स्टेज है ये, फिर वहाँ से फिर जो है सारे टूट गए थे। फिर ये है कि उमर अंकल ने बहुत सपोर्ट किया, जो बात अच्छा है, बहुत हॉस्पिटल का भी खर्चा उमर अंकल ने उठाया, अच्छा और भी जो दीगर मतलब हमारे घर के भी जो मामला थे वो भी उमर अंकल ने देखे थे। इंतकाल के बाद भी जो है उमर अंकल ने बढ़िया सपोर्ट किया, और उमर अंकल ने जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से 2 भाइयों को जॉब भी प्रोवाइड करवाई थी। और ये बड़ा ये था कि वो गवर्नर सिंह जो उस टाइम पे थे, नाम तो मुझे जहन में नहीं आ रहा, उनसे भी जो है फंड वगैरह दिलवाया था उमर अंकल ने। तो ये है कि अब्बू के जाने के बाद भी उमर अंकल ने बहुत सपोर्ट किया था, जो बात क्या बात है। वैसे यार ये आपने बातें तो बड़ी अच्छी करी और ये तो नसीब की बात है। खैर हाँ बिल्कुल नसीब की बात है, और वैसे नसीब की बात करने नहीं चाहिए। क्या हमारे गफ्फार भाई थे ना मोहल्ले में, हाँ? उन्होंने नया नया रक्षा लिया, हाँ? रक्षा के पीछे लिखवाया, क्या नसीब को लिखा कोई नहीं छीन सकता, वो कसम खुदा की आगे गए रक्षा छीन गया। बहुत अच्छा नसीब भाई, 14 अगस्त वाले दिन इसने सीन कर दिया, क्या कुत्ते के ऊपर लाइटें लगा के मुझे गिरा, देख तेरे भाई ने नई 125 ली है। अच्छा एक बात बताओ, हाँ मैंने तुम पर लाइटें कब लगाई? हाँ वैसे एक सवाल का जवाब दे, पूछो। सोने का अंडा खाया जा सकता है? नहीं खाया जा सकता है। कैसे? बेच के। अबे वो किसी सस्ती लोमड़ी के बच्चे। हाँ अच्छा मुझे कह रहा है लोमड़ी के बच्चे अपने आप को नहीं देख रहा। सवाल जवाब हो रहे ना, एक सवाल का जवाब दे, पूछो। शर्म का पानी, हाँ ये जाता कहाँ है?
ये तो उसी से पूछ जो पेड़ है। मैं पूछ रहा हूँ वैसे भाई। हाँ। एक बात बताऊं मैं, मोहब्बत जो है ना वो बस का सफर है। अच्छा। शादी जो है वो हवाई जहाज का सफर है। आप परेशान हो गए, तंग हो गए, बस से उतर सकते हो लेकिन हवाई जहाज से नहीं। वाह 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 अनवर मकसूद। हाँ। क्या बात की कर दी तुमने। तुझे पता है इसके क्या मायने? तुझे पता है? अबे मुझे तो एक एक लफ्जों के मायने पता है। क्या? आसमान से जब बारिश होती है ना। हाँ। पानी गिरता है। हाँ। तो रहमत बन जाती है। आग से गिरता है तो जहमत बन जाती है। जब नीचे से गिरता है तो खानदानी बनते हैं। और क्या, और तो कुछ बन नहीं सकता। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, आगे बोल दे। नहीं तो भाई मतलब खानदान तो तुझे पता है ना। ऐसी मेरे टेक्निक सवाल था। हो सकता है भाई। भाई लो एक बात बताओ, इंसान सांस लेता तो क्या होता है? पेड़ ऊपर नीचे होता है। चल बे चल, आदमी जिंदा रहता है। बहुत अच्छे। वैसे बेटा अभी जो अंडे महंगे हो रहे ना, ये गवर्नमेंट ने अच्छा किया है ताकि तुम्हें पता चले कि मुर्गी को अंडा देने में तो तकलीफ होती है, तुम्हें लेने में कितनी हो रही है, समझ रहे हो? ये भी देख लिया, लेकिन दुकान पे गया बोला भाई अंडे देना, उसने मुर्गी रख दी, बोला इससे ले ले। अबे मुर्गी थी तेरी अम्मी थी? मुझे क्या पता। बहुत अच्छे माशाल्लाह। ये भी दूध वाले के दुकान पे गया, दूध वाले को कह रहा आधा पाव दूध दे दो कुत्ते के लिए। दूध वाला इसकी शक्ल देख के बोला यहाँ पिएगा घर ले जाएगा। वाह वाह, अपना तो तुम बताते ही नहीं हो। सारी बातें आपको मेरी बता रही है। हाँ। ये भी बिस्कुट वाले की दुकान पे गया, बोला भाईजान बिस्कुट देना, उसने बोला अच्छा अब्बू के लिए चाहिए। मैं तो बहुत अच्छे माशाल्लाह से इसका चेहरा देखे। हाँ। थोड़ा हंसी हो। बच्चों का फटा हुआ पेम्पर। पेम्पर से याद आया। हाँ? डॉक्टर के पास चले गए, बोले डॉक्टर साहब मुझे मुझसे कुछ खाया नहीं जाता, मुझसे कुछ हजम नहीं होता। बोले के बात सुने, आप हल्की गिजा खाया करें खाने में। घर आके बच्चों के पेम्पर खाने लग गया। भाई सादे खा ले, मसाले वाले खाने लग गया। ये भी भाई, ये भी दरक पे चला, दरक से गिर गया, इसको चोट लग गई। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कीड़े मार दवाई कर दी। बोला मुझे चोट लगी, आपने कीड़े मार दवाई कर दी? तो कह गया ना डॉक्टर, तुझमें कोई कीड़ा था तो तू चढ़ा ना। ये भी दसवें माले से नीचे आके गिरा, मतलब क्या हुआ? बोला पता नहीं, मैं तो अभी अभी आया हूँ यार। बहुत अच्छा। बकरा, बकरा ईद का सीजन चल रहा था, अभी गली में बकरा मेंगनिया कर रहा है, उसको देख के बोल रहा है यार ये बकरा सही नहीं है, जली हुई मूंगफलियां दे रहा है। अबे मैं तो यही समझूंगा ना, अपना तो बताते क्या? बकरे के साथ घूम रहा है एक लड़के ने, बोला भाई किधर गधे के साथ? ये बोला भाजन देख सही से, गधा नहीं है बकरा है। बोला मैं आपसे थोड़ी ना पूछ रहा हूँ। बहुत अच्छे है भाई, इसके अब्बू भी माशाल्लाह से भाई बड़े बड़े जेनियन बंदे हैं। जेनियन है भाई, उन्होंने इजाद की एक चीज आपको पता है? सामने लगाओ तो आर पार नजर आता है। क्या? खिड़की। वाह भाई, नजर आएगा खिड़की लगाओगे तो। वैसे एक बात बता। हाँ। तू पहले आया या तेरे अब्बा? जाहिर सी बात है अब्बा ही आए होंगे। जब एक बेगरत आ गया था तुझे आना जरूरी था। अच्छा एक और बात बताओ आप। क्या? अच्छी चीज को ऊपर रखते नीचे? ऊपर रखते हैं। तो मुंह नीचे कर, जूते ऊपर कर। तेरी बात ही जुड़ी है, मैंने जूते पहने ही नहीं है। मेरी बहन ही नहीं है, सारे रशीद खुश रहे करेगा। क्या हो गया रशीद खुश? तुमने जो भंगियों में दिए पूछ रहा। बहुत अच्छे भाई, कल यार ये खान भाई हंस रहे माशाल्लाह। खान भाई से मैं तुझे खान भाई की एक बात बताऊं मैं तुझे। भाई खान भाई गर्लफ्रेंड के साथ गए लॉन्ग ड्राइव पे। अच्छा। गर्लफ्रेंड के हाथ पे हाथ रखा, खान भाई की गर्लफ्रेंड ने बोला जानू आप इससे भी आगे जा सकते हैं। खान भाई हैदराबाद ले गए। वे इतने मासूम है, देख रहे हो? अबे खान भाई ने तो एक और सीन करा है। सीन तो खान भाई ने चांद रात वाले दिन सीन कर दिया, एक लड़की को छेड़ दिया। नहीं नहीं, लड़की ने गुस्से में आके रख के चमाट दिया। आ, क्या बोल रहा है? क्या हरकतें भी मिलनी है, है? बेगम में। अबे खान भाई तो कुछ भी नहीं। खान भाई के छोटे भाई हैं। अच्छा। मुज्जी भाई। उन्होंने जो सीन किया वह भाई अपने छोटे भाई की चड्डी मुंह पे डाल के गली में आ गए और बच्चों को गिरे। मुझे स्पाइडरमैन बोलो। अबे वो मुज्जी। हाँ। वो मुज्जी मुज्जी। अबे मैंने उससे पूछ लिया भाई। क्या? मिला भाई सबकी मुछे, तेरी मुछे नहीं है। क्या बोल रहा है? क्या? मैं अम्मी पे गया हूँ। अबे बहुत अच्छा। मैंने बोला भाई क्या तो भाई बात तो बड़ी पॉइंट वाली की है, बात तो तूने बड़ी अच्छी। अबे मुज्जी ने तो एक और सीन किया है। क्या?
मैं भाई अम्मी की कमीज और अब्बू की सलवार पहन के गली में निकल गया। किसी ने पूछा ये क्या, तो के क्या है? फुल मम्मी डैडी। मम्मी डैडी से मुझे याद आया, अपनी बेगम को मुज्जी भाई कह रहे हैं क्या, मैं मुझे हुकूमत मिल गए तो मैं ये बदल दूंगा, मैं वो बदल दूंगा, मैं ये बदल दूंगा। बेगम ने रख के चमाट दिया। क्यों? बोले पागल के बच्चे, सलवार मेरी पहन के फिर रहा सुबह, वो तो बदल ले। मैं मुज्जी भाई बड़ा मासूम बंदा है, मैं बाथरूम में गए, वहाँ पे किसी ने लिख दिया पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, बैठे बैठे नौ लोटे पी गया। मैं बहुत मासूम है मुज्जी। बात बताओ क्या, ये मुज्जी भाई की बातें करे जा रहे हो आप, अपना तो तुम बताओ क्या। ये पागल है, इतना यकीन करे, जाहिल भी है, जल्दी जल्दी वॉशरूम में चले गए, मालिक तो खुल के करे, इतना पागल का बच्चा गेट खोल के बैठे। अच्छा मेरा कह रहा है, अपना नहीं बता रहा क्या? ये भी बाथरूम में किया, वहां बैठ के पकोड़े खा रहा है। अरे मैंने कहा तुझे बदबू नहीं आ रही, कह रहा मेरी नाक ही बंद है। ये भी बाथरूम में बैठ के पान खा रहा है, एक दो तीन चार मिला, ओए तुझे बदबू नहीं आ रही? बोला नहीं, तो खुशबू का है। मैं बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी में बाथरूम में चले गए, शीशा लगा हुआ था, अपने आपको देख के क्या बोला, ओ सॉरी आप बैठे। अच्छा पीछे से ये दूसरे बाथरूम में गया, वहां एक बंदा बैठा हुआ, उसको कह रहा भाई आगे डबल खुल गई है। मैं तो यही समझे, ये भी जल्दी जल्दी बाथरूम आ रहा जा रहा आ रहा जा रहा, एक चाचा मियां खड़े होगा, बोले बेटा तेरी चेन नहीं है? बोले चेन है, मैं खुल ले रही है। कोशिश कर रहा हूँ मैं। एक लड़की को इसने प्रपोज किया, उसने कहा मैं उस शख्स से शादी करूंगी जिसका बहुत ऊंचा बिजनेस हो। कह रहा है मुझसे कर ले, कटी पाली में मेरा चिप्स का ठी है। गरीब इंसान हो ना। हाँ तो गए, अपना तो बता तुम, अपनी अम्मी के साथ बताया चले गए, इसकी अम्मी ये मोटी, और इसकी अम्मी के पीछे रख दिया किसी ने बम। क्या बोल रहे अम्मी को, अम्मी बम, अम्मी बम, इसको क्या बोल रहे हैं, बम तो अब वही है जवानी में पटाखा। बहुत अच्छे, अपना नहीं बता रहा, ये भी अपनी अम्मी, इसकी अम्मी इसको लेके नहीं जाती है बाजार, वो गिर जाएंगे खान, वो गिर जाएंगे खान भाई, देख ले, देख लो पेट में दर्द नहीं हो जाए। हमने उनको चुप कराया, अगली दफा हमें नहीं बुलाएंगे। हाँ हकीकत, बचाओ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे बहुत मोहब्बत है, लेकिन क्या करें, टाइम एक ड्यूरेशन टाइम, बेशक बेशक बिल्कुल, तो उसको देख के चलना पड़ता है बेशक। बस जाते जाते मैं एक ही बात कहूँ कि वो याद आ गए मैं तुम लोग की बातों से। वो कहता है ना किसके साथ बैठा उसकी समझ आ जाती है। वो कहता है ना कि टाइटैनिक नहीं डूबता। हाँ वाह वाह वाह, अगर उसके पीछे लिखा होता खैर न आद खैर न जा। हाँ वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बेशक मुलाकात करते हैं आपसे किसी और एपिसोड के अंदर। और बिल्कुल वैसे भी डूब नहीं सकते आप, पूछे क्यों, क्यों लकड़ी साथ है हमारे, मेरे बता दो ना, मैं खत्म होने पे भी लाफ्ता ऐसी अल्लाह हाफिज।